जिस बंदे के बारे में ये पूरा वीडियो है, ये मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। मतलब इतने फेलियर्स अगर एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में आते तो शायद ही सर्वाइव कर पाता, पर इन्होंने ना सिर्फ फेलियर से ओवरकम किया है बल्कि ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसकी मिसाल हमेशा से दी जाती है। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते, आने वाले कल को बेहतर जरूर बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ कहा था अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति बने तो उनके पिता मोची थे। सेनेट सभा के कुछ अधिकारी लोग इस बात से बहुत नाराज थे कि एक मोची का बेटा राष्ट्रपति कैसे बन गया। काफी बार ऐसा होता है कि लोग हमारी इंसल्ट कर देते हैं, दूसरों के सामने नीचा दिखा देते हैं, पर मैं आपसे कहूंगा एक बहुत फेमस डायलॉग है, लोगों का क्या है लोगों का काम है कहना। तो वही बात है, एक इंसान क्या है, कैसा दिखता है, क्या करता है मैटर नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, मायने यह रखता है कि आप उस काम को कैसे करते हैं। हमेशा से ये एटीट्यूड रखिए, आई विल प्रिपेयर एंड समडे माई चांस विल कम। और ऐसा ही एक चांस जिंदगी ने अब्राहम लिंकन को भी दिया। 1809 को अब्राहम लिंकन बहुत ही गरीब परिवार में एक छोटे से कमरे में पैदा हुए। 1818 में जब वो 9 साल के थे तो उन्होंने अपनी मदर को खो दिया। 1831 को अपनी जॉब खो बैठे। 1833 को एक बिजनेस शुरू किया पर उस बिजनेस में भी वो फेल हो गए। ऐसा ही कुछ चलता रहा और 1835 तक वो अपना पूरा फैमिली खो बैठे। 1836 में उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 1838 से 1854 तक वो 6 टाइम्स फेलियर्स को फेस किए। उन्होंने हमेशा जब से 1838 से 1854 तक जब भी इलेक्शंस लड़े हैं तब तब वो हारे हैं, तब तब उन्होंने फेलियर्स का सामना किया है, बट वो कभी भी रुके नहीं। 1854 तक वो अपनी 7th डिफीट को देख चुके थे, बट फाइनली 1860 के अंदर उनको US का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया। फेलियर्स आर पार्ट ऑफ आर लाइफ्स, फेलियर्स हमारी जिंदगी का एक कॉमन हिस्सा है। अगर दोस्त ये इंसान इतना रिजेक्ट होने के बाद नहीं रुका तो तुम्हें कौन रोक रहा है। रिजेक्शन से रिग्रेट मत करो, नाम एक दिन में नहीं बनता दोस्त, पर एक दिन जरूर बनता है। पर मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि सब होगा, हर चीज तुम्हें मिलेगी, पर पागलपन और जिद्दी बनना पड़ेगा। इसी के साथ मैं हूं अंकित शर्मा, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।